अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। तो इनफिनिक्स अपना नया फ़ोन बहुत ही जल्द पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है। आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये है इनफिनिक्स जीरो एक्स न्यू के नाम से। इनफिनिक्स जीरो टेन का लोअर वेरिएंट बन के भी आ सकता है, यानी 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ नेम इसका चेंज कर दिया जाएगा। तो इस नेम के साथ ये गूगल कंसोल पर लिस्ट हुआ है, यानी बहुत ही जल्द ये फ़ोन पाकिस्तान में आ सकता है। तो कब तक ये फ़ोन पाकिस्तान में आएगा और इसकी प्राइस क्या होगी, इसके बारे में भी बताता हूँ। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा इनफिनिक्स के अपने कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और डिज़ाइन वगैरह इधर चेंज कर सकते हैं। जो इन्होंने कंसेप्ट फ़ोन लॉन्च किया था, हो सकता है उसी से मिलता जुलता डिज़ाइन आए। और फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट मिलेगी, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये आ सकता है, और पॉलीकार्बोनेट की बैक के साथ। तो परफॉर्मेंस इसमें कैसी मिलेगी, जो इसमें चिपसेट आपको ये देने वाले हैं, तो मीडिया टेक का G90 वाला इसमें चिपसेट आ सकता है। और इससे जो अपर वेरियंट होगा यानी इनफिनिक्स जीरो एक्स वाला, उसमें मीडियाटेक G95 वाला चिपसेट होगा। तो ये वाला प्रोसेसर भी ठीक है, गेमिंग वगैरह भी आप इस पे कर सकेंगे। 6 GB इसमें रैम होगी और 128 GB स्टोरेज। और जो गूगल कंसोल पे लिस्ट हुआ है इनका वेरिएंट, उसमें 8 GB की रैम है, LPDDR4X वाली इसमें रैम है, और UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप, क्योंकि अभी जो इनफिनिक्स नोट 10 प्रो वाला फोन है उसमें भी UFS 2.2 वाली स्टोरेज मिलती है। तो नीचे की तरफ तो ये जाने नहीं वाले स्पेसिफिकेशन के मामले में, तो UFS वाली ही इधर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। और बैक पे इधर 3 या 4 कैमरे आने वाले हैं। मेन कैमरा 64 MP का होगा, 16 MP का सेल्फी कैमरा इसमें मिलेगा, वाईफाई 5 होगा और ब्लूटूथ 5.1 वाला। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें डिस्प्ले के अंदर भी मिल सकता है, क्योंकि नोट 10 सीरीज अभी सभी कुछ दे रही है लेकिन डिस्प्ले आपको LCD वाला ही मिलता है। तो इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि AMOLED वाला डिस्प्ले आ सकता है, लेकिन LCD वाला डिस्प्ले भी हुआ तो 1080p रेजोल्यूशन के साथ आएगा, और तब आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड वाले बटन में मिल सकता है। और बाकी जेरोस्कोप सेंसर हार्डवेयरली इसमें मिलेगा, और बाकी के जरूरी सेंसर सभी इसमें आने वाले हैं। 4500 mAh की बैटरी या 5000 mAh की बैटरी इसमें मिलने वाली है, साथ में 33 W का फास्ट चार्जर होगा। तो फोन तो ये काफी ठीक है, गूगल कंसोल पे लिस्ट भी हो गया है, और पाकिस्तान में ये अगस्त यानी इसी मंथ के लास्ट या नेक्स्ट मंथ में आ सकता है, जो कि इनफिनिक्स 010 न्यू के नाम से आएगा। और इसके अलावा इनफिनिक्स 0X यानी 10 वो वाला फोन भी बहुत जल्द पाकिस्तान में आ सकता है, जिसमें आपको गेमिंग चिपसेट मिलेगा, डिस्प्ले वगैरह AMOLED वाला ये दे सकते हैं। तो इनफिनिक्स इसी पे काम कर रहा है कि हर एक चीज को पाकिस्तान में अवेलेबल करा दिया जाए, यानी हर एक ऑप्शन हो इनफिनिक्स का। अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले अच्छा लेना तब भी आपको सुपर AMOLED वाला डिस्प्ले दिया जाए, तो यही चीज बाकी रहेगी है। बाकी तो इनफिनिक्स चिपसेट भी अच्छा दे चुका है, रैम और स्टोरेज भी 8 GB 128 GB ये हर वेरियंट में दे देते हैं। लेटेस्ट इनका जो फोन है नोट 10 प्रो वाला, उसमें 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज मिल जाती है सबसे कम प्राइस में अगर पाकिस्तान में बात की जाए, और चिपसेट भी काफ़ी तगड़ा है G95 वाला। तो अभी रह गया है तो डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले अगर ये ले आते हैं अच्छे चिपसेट के साथ, प्राइस भी अच्छी लेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये फ़ोन तबाही मचा सकता है, तो जिसका आपको वेट यकीनन करना चाहिए। और बाकी ये फ़ोन जैसे ही पाकिस्तान में आएगा तो इसकी डिटेल वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।